नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोजाना खाना में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दोस्तों बनाने जा रही हूँ देसी स्नैक्स, यानी कि भुजा जो गांव में बनता है। तो आइए देख लेते हैं भुजा बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। ये देखिए, हमें 400 ग्राम मटर चाहिए, बिल्कुल फ्रेश मटर हरा। दो बारीक कटा हुआ प्याज चाहिए, और जितना आप तीखा खाते हैं उतना मिर्च ले लीजिए, तीन या चार। और तीन या चार इस लंबे सेम में हम ले लिए हैं मिर्च। और ये देखिए, हम रेडीमेड लिए हैं आलू भुजिया, और थोड़ा सा ये मक्का चिवरा, और थोड़ा सा ये भुना हुआ चना, और 250 ग्राम मुरमुरा है। यहाँ पे मैं ज्यादा बना रही हूँ, अपने आवश्यकता अनुसार बना सकते हैं। और हरा लहसुन ले लिए हम थोड़ा सा, तीन चार गांठ। और यहाँ पे हम कढ़ाई को गर्म कर लिए हैं, इसमें डालेंगे हम तीन चम्मच सरसों का तेल। तेल हमारा गरम हो चुका है, इसमें हम कटा हुआ मिर्च डाल लेंगे और फ्राई कर लेंगे। मिर्च हमारा फ्राई हो गया है तो इसमें हम ये कटा हुआ प्याज डाल लेंगे और इसे भी फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारा 2 मिनट तक हम फ्राई कर लिए हैं, तो इसमें अब हम ये फ्रेश मटर डाल के मिक्स कर लेंगे। और इसी में हम हरा लहसुन भी डाल लेंगे, ये देखिए मैं काट ली थी। और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और मिक्स कर लेंगे, और इसे हमें 5 मिनट चलाते हुए भूनना है दोस्तों। ये देसी स्नैक्स है दोस्तों, ये बहुत ही फायदेमंद चीज है। हम लोग आजकल जो पिज्जा बर्गर में ज्यादा ध्यान देते हैं वो सब नहीं खाना चाहिए। ये देखिए, चटपटा कुछ खाने का जी करे तो फटाफट बनाइए घर में देसी स्नैक्स। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनता है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये गांव में बहुत बनता है, और यहाँ पे जैसे हम सिटी में रहते हैं दोस्तों, तो सिटी में रह के हम गांव का खाना भूल गए हैं। तो मैं सोची कि क्यों ना इसे हम बनाए, और इसे आप भी एक बार जरूर ट्राई करें दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इजी रेसिपी है। इसमें बस हमें मटर को भून के और सारा स्नैक्स मिला के बना लेना है, ये फटाफट बन जाता है। तो इसे जरूर एक बार ट्राई करें, ये स्वादिष्ट के साथ साथ हेल्दी भी है। और ये देखिए, हम इसमें हींग डाल ले रहे हैं 1 पिंच। हींग इसलिए डालते हैं दोस्तों क्योंकि हाजमा इससे सही रहता है। इसमें मटर में थोड़ा सा कब्ज रहता है, तो इसे कम करने के लिए हम हींग का यूज करते हैं। और ये देखिए, हमारा देसी स्नैक्स बन के रेडी हो गया ये। और यहाँ पे हम गैस को ऑफ कर दे रहे हैं, और इसे ढक के 2 मिनट के लिए रख देंगे, उसके बाद हम सर्व करते हैं। इसे हम ढक के इसलिए रखे हैं दोस्तों क्योंकि इसमें जो भाप बन के हमारा मटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और बहुत ही स्वादिष्ट होगा, इसलिए ढक के 2 मिनट के लिए रखे हैं। और मैं सर्व कर लेती हूँ। तो 250 ग्राम हमारा मुरमुरा था, इसमें हम मटर को डाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मटर को मिक्स कर लेंगे, और इसी में हम रेडीमेड नमकीन वगैरह, ये मक्का और चूड़ा है हमारा, और ये भुना हुआ चना है, इसी में डाल लेंगे। और ये आलू भुजिया है, इसी में डाल लेंगे, और इसे मिक्स कर लें। ये देखिए, मैं कर ले रही हूँ। और ये देखिए, हम ऊपर से डालेंगे नींबू फ्रेश, नींबू का जूस डाल ली मैं, और इसका हम मिर्च से गार्निश कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे देसी स्नैक्स भुजा बन के बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो अगर आपको हमारी ये देसी स्नैक्स भुजा पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें ये, क्योंकि गांव का देसी स्नैक्स है, इसे सब कोई खाएं। और आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और हमेशा से हमारी कोशिश यही रहेगी दोस्तों कि हम गांव का नया और पुराना दोनों रेसिपी आपके सामने लाएं।
तो हमारा ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम मिलते हैं दोस्तों आपसे एक नई रेसिपी के साथ।